बंद करो, बंद करो, बंद करो। आईटी घोटाले बच्चों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में, एनएसयूआई मैदान में, छात्रों के सम्मान में, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गोंदिया जिले के, उनको पढ़ाने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। बहुत से बच्चों के पास स्मार्टफोन, छोटा फ़ोन कोई भी उपलब्ध है नहीं, हाँ। और ये जो लूट खसोट चालू है पैसों की, ये बहुत ही गलत है। इसलिए मेरा ये नम्र निवेदन है कि ये तुरंत बंद किया जाए ऑनलाइन स्टडी। भैया, JMB स्कूल में जो RTE का घोटाला हुआ है, उसके जाँच के लिए मैंने शिक्षण अधिकारी साहब के पास में एक लेटर दिया था। पृथ्वी रामटेके, जिनका बच्चा विराज रामटेके, ऐसे कई बच्चों के साथ इन्हें पैसे लेके उनको आधे पैसे वापस किए RTE के अंतर्गत, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे स्कूलों पे FIR करने की मेरी मांग है। दूसरा विषय ऐसा है कि जब एक महीने बाद भी पारदी सर द्वारा, जो उप शिक्षण अधिकारी पारदी सर द्वारा जो अव्वल है वो गलत पेश किया गया मेरे सामने, उसके खिलाफ भी मैंने आवाज़ उठाई और ज्ञापन जो है शिक्षण अधिकारी साहब को दिया हूँ कि इसके ऊपर फिर से अव्वल जाँच होना चाहिए, जो शिक्षण अधिकारी साहब खुद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो 14 अगस्त तक के मैं इसकी राह देखता हूँ कि JMB स्कूल के ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई होना चाहिए, वरना 16 अगस्त से मैं अभी तो ये सांकेतिक धरना आंदोलन था, उससे बड़ा धरना आंदोलन 16 अगस्त से मैं करूँगा। गोंदिया शहर में जितनी भी स्कूल है, जैसे अपना मारवाड़ी स्कूल हो गया, विवेक मंदिर हो गया, इन लोगों ने क्या किया कि RTE के एडमिशन नहीं लेना चाहिए करके माइनॉरिटी में अपना संस्था को ट्रांसफ़र करवा दिए, तो इनमें RTE के बच्चों का कोई एडमिशन होता ही नहीं है। और देखा जाए तो मारवाड़ी स्कूल और विवेक मंदिर में उनके जो संस्था है, मारवाड़ी संस्था है, उनके बच्चे 10% पढ़ते हैं और बाकी जो OBC SC कैटेगरी के बच्चे उसमें 90% पढ़ते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है और आगे मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो जैसी स्कूल जो माइनॉरिटी में है, उनकी मान्यता रद्द करके उनको नॉर्मल इसमें लाना चाहिए कि जैसी RTE के जो बच्चे उसमें भी लाभ उस स्कूल में ले सके।